पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक नहायत ही खूबसूरत लड़की की, जिसने बहुत कम उम्र में फेमिना मिस इंडिया का ताज जीता और उसके बाद बनी ये सुपरस्टार। नाम है जिनका नम्रता शिरोडकर घटा मनेनी। कट! हाय 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 हाय, क्या शोर दिया है। नम्रता शिरोडकर का जन्म हुआ 22 जनवरी सन 1972 में, शहर मुंबई, राज्य महाराष्ट्र। इन्हें प्यार से इनके घर वाले चीनू कह के पुकारते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि नम्रता शिरोडकर शिल्पा शिरोडकर की बहन है और सन 1993 में इन्होंने मिस इंडिया का ताज जीत लिया था और मिस यूनिवर्स पेजेंट में ये छठे नंबर पे आई थी। उसी बरस इन्होंने मिस एशिया पैसिफिक कॉन्टेस्ट में भी भाग लिया था, जिसमें ये फर्स्ट रनर अप बनी थी। पर यह बात कम लोग जानते हैं कि नम्रता शिरोडकर बचपन से ही दरअसल एक अभिनेत्री रही। सन 1977 की फिल्म शिरडी के साई बाबा में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। हालांकि मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद पूरब की लैला पश्चिम का छैला इस फिल्म के साथ इन्होंने डेब्यू करना था, जिसमें इनके हीरो होते अक्षय कुमार और दूसरे हीरो सुनील शेट्टी। इसका संगीत नदीम श्रवण देने वाले थे, पर यह मूवी कभी सामने आई नहीं। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि जानी मानी मराठी अभिनेत्री मीनाक्षी शिरोडकर इनकी ग्रैंड मदर रहीं। नम्रता शिरोडकर जब सिल्वर स्क्रीन पर आईं, तो इनकी खूबसूरती देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। इनकी बड़ी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और इनके अभिनय ने इनकी काफी तारीफ भी करवाई और सन 1998 में ये आई थी फिल्म जब प्यार किसी से होता है में, जिसमें सलमान खान साहब थे और ट्विंकल खन्ना जी। उसके बाद संजय दत्त की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक वास्तव में ये संजू बाबा की हीरोइन बनी थी। इनकी बहन शिल्पा शिरोडकर पहले से ही फिल्मों में बहुत नाम कमा चुकी थीं। ये बड़ी बड़ी फिल्मों में नजर आईं, जैसे कि सन 2000 की फिल्म पुकार, जिसके लिए इन्हें आईफा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, अस्तित्व, दिल विल प्यार व्यार और जेपी दत्ता की फिल्म एलओसी कारगिल। ये उन गिनी चुनी भारतीय अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने विदेशी फिल्मों में भी काम किया। ब्राइड एंड प्रेजुडिस को कौन भूल सकता है। पर अभी इनका करियर परवान चढ़ ही रहा था कि इसी बीच इन्हें हो गई मोहब्बत। जी हाँ, तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू से इनकी मुलाकात हुई फिल्म वामसी के सेट्स पर। ऐसा माना गया कि पहली नजर का ये प्यार था, पर धीरे धीरे इनकी मुलाकातें बढ़ी और फिर शादी का फैसला किया गया। इनकी शादी हुई महेश बाबू साहब से 10 फरवरी सन 2005 में। इस शादी से इन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई। नम्रता शिरोडकर जो अपनी बोल्ड इमेज और मासूम चेहरे के लिए मशहूर थी, हर तरह के पोशाक में यह खूबसूरत लगती, चाहे वो साड़ी रही या फिर स्विम सूट। इनकी जानी मानी फिल्में रहीं कच्चे धागे, वास्तव, अस्तित्व और इन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी काम किया। कुछ फिल्मों में ये बतौर स्पेशल अपीयरेंस देती भी नजर आईं, जिसमें हेरा फेरी का नाम सबसे ऊपर आता है। इनका बेटा गौतम भी सिल्वर स्क्रीन पे नजर आया अपने पिता महेश बाबू के बचपन का किरदार निभाता हुआ। अपने पति के सुपरस्टारडम के साथ ये आगे बढ़ रही हैं और वाकई भारतीय सिनेमा की ये उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया का टाइटल भी जीता, भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेशी धरती पर, स्टारडम भी हासिल किया और फिर शादी करके अपना परिवार बसा लिया। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History.